नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज ये जो वीडियो बना रही हूँ उसमें भावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ और क्या बातें करूं। आयांस के बारे में आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं और नहीं भी हैं, अगर आप चलाते भी हैं तो भी आप इसके बारे में ज़रूर ही कभी ना कभी पढ़ा ज़रूर होगा। आज इतनी देरी इतना समय बाद मैं यहाँ क्यों पहुँची उसका कारण बता देती हूँ। दरअसल तमाम चैनलों पर आयांस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तमाम नेटवर्कों पे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इनफ है, हर जगह लोग जान ही रहे हैं। लेकिन बार बार यही सोच रही थी कि मेरे वीडियो बनाने से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन ये मुझे बार बार लग रहा था कि अगर मैं आज ये वीडियो नहीं बनाऊंगी तो शायद मुझे लगेगा कि इस बच्चे को बचाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तमाम वीडियोस बनाए हैं, 1000-2000 वीडियोस होंगे, लेकिन आज ये जो वीडियो बना रही हूँ उससे मुझे लगता है कि एक नेक काम करने जा रही हूँ। ये जो आप मेरे सामने सिक्के देख रहे हैं, 18 किलो, ये जो आप सिक्के मेरे सामने देख रहे हैं ये 18 किलो सिक्के हैं। भैया ने बताया कि इसको गिन नहीं पाए तो तौल कर ले आए। सोचिए, जो एक गली में एक छोटी सी दुकान, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग वो दुकान खोले होंगे, ये सोच रहे होंगे कि वो दुकान उनका घर चलाएगा, वो लोग ये छोटे छोटे सिक्के देकर छोटी छोटी मदद करके आयांस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आयांस के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि आपको पता है ये छोटा सा बच्चा जो है दिन रात कैमरे की चकाचौंध में घूम रहा है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ तमाम चैनल आ रहे हैं, बार बार आयांस को दिखा रहे हैं, उसको मुस्कुराता चेहरा किसी को नज़र आ रहा है, किसी को पता नहीं, वो अगर उसके अंदर चिड़चिड़ाहट भी हो रही होगी तो वो बता भी नहीं पा रहा होगा क्योंकि मात्र 9 महीने का ये छोटा सा बच्चा है। अभी थक कर सो गया है, अभी रात के बज रहे हैं करीब 9:30 और ये बच्चा सो रहा है, थक गया है और यहाँ पर इसके माता और पिता हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं, क्योंकि तमाम चैनलों पे मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए या वेबसाइट देख लीजिए या फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, हर जगह आयांस के बारे में काफ़ी कुछ वीडियोस और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मदद चाहिए वो अभी तक कलेक्ट नहीं हो पा रही है। इतने दिन से ये मुहिम चल रही है, इतनी ढेर सारी जनसंख्या है, सब लोग सब कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग 10-12 दिन से इस लगे हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 10-12 दिन से हम लोग लगे हैं इसमें। नागेश सम्राट भाई हैं, उनके मित्र लोग हैं, और मनीष कश्यप जी का भी मैं शुक्रिया बोलूँगा आपके माध्यम से, उन्होंने इस मुद्दा को सबसे पहले उठाया और स्ट्रीम जो होता है मीडिया उसमें न्यूज 18 ने उठाया, झारखंड बिहार, सारे मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और ख़ास करके आपको कि आप गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से आप चल करके आयांस जो बच्चा है उसके लिए आप आई हैं। आप बोली कि अगर मैं नहीं आती तो मुझे लगता कि मैंने कुछ इसके लिए नहीं किया, तो आपको विशेष धन्यवाद। हम लोग 10-12 दिन से लगे हुए हैं, शुरुआत में हम लोगों का एक हफ्ता बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा था, बहुत लोगों का डोनेशन अच्छा आ रहा था, अभी भी आ रहा है, मगर इधर 2 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा धीमा हुआ है। तो हो सकता है किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, 2 दिन कम होगा फिर 2 दिन ज़्यादा होगा, पता नहीं, मगर अभी भी सहयोग मिल रहा है, मगर कुछ बड़े लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, जो सिंपल लोग सहयोग दे रहे हैं, साधारण लोग। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ उन पैसे जिन पूंजीपति हैं या बिजनेसमैन हैं या राजनेता हैं जिन्हें दिक्कत नहीं है 10-20-50 हज़ार लाख रुपए की, उनसे जो बने कम से कम कुछ तो मदद करिए, बच्चे को बचाने के लिए कुछ तो मदद करिए, कम से कम आइए, नहीं भी आते हैं तो वहाँ से कुछ तो करिए, जो आपसे बने वही करिए जी। 15 अगस्त से पहले आयांस को वो इंजेक्शन लग जाना चाहिए, ये आप लोगों का प्रण है और ये होना भी चाहिए। अभी भैया ने बताया कि जो बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तमाम छोटे हम जैसे छोटे क्रिएटर या यूट्यूबर्स वो आ रहे हैं, मुहिम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि
अयान तक आप अपनी छोटी मदद, जो भी आपके पास छोटी मदद है वो पहुंचाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पर अयान के नाम से एक ट्रेंड ही चलाइए कि जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है वहां तक ही पहुंचे। हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थक कर हार गए, आपने सोचा कि इस मुहिम को बहुत दिन से देख रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, ये सोचकर अगर आप थक कर हार गए तो एक नन्हे की सांस रुक सकती है। सोच कर देखिए, 9 महीने का एक छोटा सा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया है, अभी उसने ठीक से दुनिया देखी नहीं है, अगर नहीं बच पाता है ना, तो सोच कर देखिए कि सर मानी चाहिए उन तमाम लोगों को और हमें भी जो इतने दिन बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बता रहे हैं कि 2 दिन के अंदर उन्होंने एक एक गली के एक एक दुकान, एक एक कोचिंग सेंटर जाकर आपने ये इकट्ठा किया है। जी बस कोचिंग संस्थान में मैडम। अच्छा कोचिंग संस्थान। जी कोचिंग संस्थान में बस 2 दिन में। इतना टीचर लोग दे रहे थे, बच्चे सहयोग कर रहे थे? नहीं, बच्चे लोग सहयोग कर रहे और टीचर लोग तो हम लोग डिमांड किए हुए, वो लोग मतलब वो लोग का सहयोग एकत्रित होगा और विशेष रूप से कुछ दिनों में और भी लोग सहयोग करेंगे। और जहाँ तक है कि और भी मतलब पूरे जहानाबाद में और ज़िले में इस तरह की मुहिम लगाएं, और जहाँ तक मुझे मानना है कि रेलवे परिषद और भी जो हम भीड़ भाड़ है वहाँ पर हम लोग कैंपिंग चले और जीवन बचाओ अयान्स के प्रति हम लोग सब मिल के जितना भी सहयोग हो हम लोग सहयोग करें। और जहाँ तक मनीष भाई बता रहे थे कि 15 अगस्त पहले इन्हें इंजेक्शन दिलवा दें, तो हम लोग का एक प्रण है कि 15 अगस्त पहले इन्हें इंजेक्शन की आवश्यकता है, उन्हें हम लोग इंजेक्शन दिलवाने का क्रम करें। और जो भी डोनेशन आ रहे हैं ना, वो बड़े बड़े विधायकों का बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो कि बड़े पॉलिटिकल्स लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। बस छोटे लोग हैं जिनके पास दिल में छोटी सी फीलिंग है, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता है, वो लोग ही डोनेट कर पा रहे हैं। और बस लोगों से अपील हूँ कि प्लीज़ आप लोग अयान्स के लिए, हमारे बिहार के लिए, बस एक छोटे से बच्चे के इस ललकार के लिए आप लोग सामने और मदद करें। और हम क्या बता सकते हैं मैम, बस आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए अयान्स को, जीवन बचाओ अयान्स को, बस लोग सब के प्लीज़ अयान्स के लिए आप लोग आ गए हैं। कितने बजे सुबह निकलते थे? फिर सुबह हम लोग 6 बजे निकलते थे, उसके बाद 10 बजे तक लगातार करते थे। तो फिर शाम को जब शाम होती थी तो कॉल आता था इन भैया का कि चले गए गोपाल, तो हम लोग हाँ भैया चले गए। 3 बजे था तो 3 बजे से 6 बजे तक करते थे। बाकी आज हम लोग आना था पटना कि कुछ जानते हैं, बहुत सारा हम लोग सुनने भी पड़ता है इसके लिए कि क्या करेगा क्या, उसमें हम सोचे कि चलो आज दे देते हैं। 2 दिन हुआ हम लोगों का, तो 5 बजे हम लोग किए और वैसे ही ख़त्म किया हुआ उसी चलाएँ पटना देने के लिए कि देने के बाद ही। और इसके बाद आज कल से हम लोग दुगना एक्टिविटी के साथ करेंगे जिसमें लगेंगे। भैया बोल रहे थे कि लोग कम जागरूक हो गए हैं, तो हम और जागरूक करने के लिए दुगना साथ करेंगे हम दोनों सब मिलकर, और बहुत सारे लोग हैं जिसमें करने के लिए राजी हैं हमारे दोस्त लोग। ये मुहिम थमनी नहीं चाहिए, अगर ये मुहिम थमेगी तो एक बच्चे की सांस थम सकती है। ये सोच कर आप इस मुहिम के साथ जुड़िए, इसको और मजबूत बनाइए। एक माँ सुबह से लेकर शाम तक एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर तमाम कैमरों के आगे पीछे घूम रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा बच सके। ये कहानी आज बिहार की है, कभी गोरखपुर में भी आ सकती है, कभी आपके घर में भी आ सकती है। अगर आपको इस बच्चे में अपना बच्चा नज़र आ रहा है, आपको इस बच्चे में अपना भाई या अपना पड़ोसी ही नज़र आ रहा है, तो भी आपको इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ये लोग पता नहीं कितने कैमरों के सामने, पता नहीं कितने माइक के सामने बोल कर थक रहे हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। अब हमें और आपको मिलकर इस मुहिम को सार्थक बनाना है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार सोशल मीडिया पर अयान्स के नाम पर एक ट्वीट करें, एक पोस्ट लिखें, और जो भी आपका सहयोग है वो अयान्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम डिस्क्रिप्शन में कैसे आप इन तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं वो लिंक ज़रूर देंगे। मुझे आशा है कि आज तक आपने मुझे कभी निराश नहीं किया है, तो इस बार भी आप मुझे ज़रूर सहयोग करेंगे। आज से पहले जितनी बार भी आप लोगों के सामने मैं आई हूँ, हाथ फैलाई हूँ और मदद मांगी हूँ, उतनी बार आपने मदद की है। इस बार अयान्स के लिए आपको मदद करना ही होगा, इसलिए क्योंकि ये भगवान का एक अवतार है, एक छोटा सा बच्चा है। अगर आज ये नहीं बच पाए ना, तो सोचिए कि ऊपर देखने वाला भगवान क्या कहेगा कि आपको तमाम तरीके के संसाधन दिए थे, तमाम तरीके की चीज़ें उपलब्ध कराई थी, लेकिन आपने मेरे एक छोटे से अवतार, एक छोटे से अंश को नहीं बचा पाया। तो मानवता के लिए हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, एक छोटे से बच्चे की मुस्कान को ऐसे ही बरकरार रखना है।